न्यायालय ने बलात्कार की शिकार नाबालिग की प्राथमिक को सोमवार को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कड़े प्रावधान है, इसलिए पीड़िता के सहमत होने के बावजूद भी अभियोजना पक्ष की कार्रवाई को रद्द किया नहीं जा सकता। पिछले साल जून में बलात्कार की कथित घटना के बाद पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति रेती मोहिते डेरे की पीठ सुनवाई कर रही थी। पीड़िता मुंबई की रहने वाली है। घटना के बाद वह गर्भवती हो गई थी। पिछले महीने ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। उसने बेटे के प्रति अपने अधिकार का त्याग करते हुए उसे अनाथालय को दे दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस ने उसे बताया कि आरोपी की पकड़े जाने की संभावनाएं कम है, इसलिए प्राथमिक रद्द कर देना चाहिए। उसने उच्च न्यायालय को बताया कि वह अभी पढ़ती है और खुद को या अपने बेटे की परवरिश के लिए उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है। इससे मामले में उसने सभी कार्रवाई को खत्म करने का अनुरोध किया था। अपने वकील के जरिए यह भी दलील दी थी कि प्राथमिक रद्द करना उसके नवजात शिशु के हित में होगा, जिसके बाद उसे अनाथालय को दे दिया जा सकता है। सरकारी वकील की दलील की खारिज। सरकारी वकील अरुणा पाई ने पीठ को यानी कि उच्च न्यायालय को बताया कि हाल ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने जो बयान रिकॉर्ड किया था उसे उसने कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया था, जिससे कि आरोपी की पहचान की मदद मिल सके। वकील ने कहा कि आरोपी को पकड़ना बेहद मुश्किल है। उच्च न्यायालय ने हालांकि वकील की इस बयान को खारिज कर दिया है कि यह पूरी तरह से असंतोषजनक है। कोड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी